राजभवन के मैं अध्यापन का सफल निभाने और क्योंकि इतना जोर से बोलने से ही मेरा हाथ पैर थरथरा रहा है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगी। हाँ, मनुष्य को शाकाहारी रहना है, अंडा मीट मछली हड़िया शराब ये सब नहीं सेवन करना चाहिए, ये खराबी करता है। ये किसी जीव को जबरदस्ती मार करके उसका लाश को खाना अच्छा बात नहीं है। मनुष्य के लिए भगवान बहुत सारा अन्न फल दूध दही मेवा मिष्ठान बहुत सारा बनाया है। सब जीव को यहाँ जीने का अधिकार है, किसी को समय से पहले मार देना अच्छा बात नहीं है। कितने दिनों से कर रहे हैं? 2011 से लगातार आप कर रहे हैं। हाँ, किन किन राज्यों में गए हैं? हम उत्तर प्रदेश, बम्बई, महाराष्ट्र, पुणे, फिर आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, पंजाब, करीब करीब पूरा वर्ल्ड में, नेपाल देश भी गए, विदेश भी गए। कभी साइकिल से, कभी ट्रक से, कभी बस से, कभी रेल से भी। क्या लगता है? धन्यवाद, बहुत सुधार हो रहा है। हाँ। आप अकेले हैं कि आपके संगठन में और लोग भी? नहीं, बाबा जी के पास पूरा 45 करोड़ है और फिर बढ़ ही रहे हैं लोग। कौन 45 करोड़? पूरा विश्व में 45 करोड़ जय गुरुदेव परिवार है। 45 करोड़ है? हेलो, इंडिया में कितना? इंडिया में नहीं बता पाएंगे, कम के बारे में नहीं बता पाएंगे। 1 करोड़ विदेश में होगा तो 44 करोड़ इंडिया में ही है। जनसंख्या 130 करोड़, जबकि कहा जा रहा है कि भारत में जो है 50% लोग जो है मांसाहारी का सेवन करते हैं, कैसे आपको गुरुदेव का हो गया? पूरा विश्व में है उनका 45 करोड़ जीव। रेंट वाला लोग था उसको कैसे बताइए, क्या आपके पास तत्व है जो 45 करोड़ मान रहे हैं? 5% अब जो बाबा जी मंच से बताते हैं वो एक भी वचन इधर उधर नहीं होता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव वो अभी फील्ड में है, अभी आपका पीलीभीत जिला में है। बाबा जी जागरूकता फैलाते हैं। हाँ, शाकाहारी प्रचार करते हैं और जीवात्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। कैसे कर रहे हैं गुरुजी आपका प्रचार? आपका 1952 से, 10 जुलाई 1952 से। आप रांची में आए हैं, आपके साथ कौन? अभी हम अकेले हैं। कहाँ रांची में घूमे हैं? करीब करीब हर जगह घूमे हैं। पैदल घूम रहे हैं कि किसी और? साइकिल से। साइकिल से। आखिर क्या संदेश आप देना चाहते हैं लोगों को शाकाहारी के रूप में? देखिए, ये जीवात्मा है, जीवात्मा जब तक परमात्मा से नहीं मिलता है तब तक ये जीवन बेकार है। कहे कि सत्संग के बिना जीव को ज्ञान नहीं मिलता है, सत्संग के बिना विवेक नहीं मिलेगा और गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। ये बताइए कि अभी आप जो यहाँ पर सभी अपनी जगह पे बैठे हैं, उपार्जन कैसे हो रहा है? ये भाई लोग, भाई लोग। हम लेबर मजदूर किसानी का काम करते हैं, उसी से मेरा जीवन चलता है। आप तो घूम रहे हैं 12 साल से, तो खेती किसानी कैसे कर रहे हैं? नहीं, ये जब समय हमको मिल जाता है तब घूमते हैं, बराबर नहीं घूमते हैं। हाँ, पूरा परिचय। मेरा नाम मदन मोहन महतो है, गांव कोड़ाकेल है, पोस्ट मुरहू है, थाना भी मुरहू, जिला खूंटी है, झारखंड का निवासी।